उसको जमीन में कुछ नहीं करता है, अमर जन से राजन मान ये लड़का मन के गार्डन बना है नहीं बने ना नहीं बने कुसमी में बनना चाहिए पारी में नहीं बनना चाहिए छोटे छोटे बच्चा है उतना दूरिया नहीं जा पाए गार्डन कौन बनवा सरपंच बना गार्डन में और सरपंच हमार गांव नहीं होना कहा थे पारी में होना तब पारी में हमारे लड़का मल नहीं भेजन होना तो कुसमी में होना ही कर हमार जगह है हमार जगह सर ये मामला ऐसा है कि हमारे गांव में एक जगह स्वीकृति हुई थी जिसमें गार्डन बनना था और चार पांच हमारे गांव के सियान थे और उन लोगों ने स्वीकृति की कि ये जगह ठीक है ऐसे करके अब गांव वाले वहां नहीं गए थे बाकी जो और हमारे गांव के लोग हैं वो तो ये जगह हमें जचा नहीं इसलिए हम लोग निरस्त करवाना चाहते अब इसमें बात आ गया कि निरस्त ऑनलाइन ये हुआ है करके बोलते हैं भाई नीचे में जो भी है कागजी कार्रवाई है वो पहले होगा ना कोई देखने इंजीनियर आएगा जगह स्वीकृति करेगा तभी तो होगा ना ये कहते हैं ऑनलाइन वहाँ से हुआ है जगह का चयन ऐसा कहते भाई ऐसा तो हम तो नहीं सुनते अभी जो भी होता है बनता है तो निजी मतलब यहाँ से कार्यालय या कलेक्ट्रेट से ही होके आता है ये तो नहीं कि ऑनलाइन के डायरेक्ट वहाँ से ऊपर से भेज देंगे कि जगह बनाओ ऐसे करके अब वही हो गया कि हमें उस जगह में नहीं बनवाना था तो आवेदन दिए कलेक्ट्रेट में आए थे वहाँ भी आवेदन दिए उसके बाद वो फिर काम चालू कर दिए फिर हम लोग गए थाना में गए वहाँ फिर भी वो धमकी वमकी कर रहा था जो भी अपने हिसाब से कौन धमकी दे रहा था सरपंच धमकी दे रहा था कि तुम लोग 40 आते हो हम लोग 2 आए हैं भैया आपो के आदमी मोला धर के आओ थाना में हमला का है हम तो वहाँ सचेत करने गए थे थाना में धमकी चमकी वाला क्या बात है उसका छोटा भाई था एक तुम लोगों को देख लूँगा ये कर दूँगा गुंडा बुलाऊँगा 40 आए हो ना 40 गुंडा बुलाऊँगा ऐसा करके धमकी देते हैं तो अच्छा चीज़ है सरपंच हमारे लिए आपको हित के लिए बनाए हैं और हमारे हित में ही मतलब वो पूरा हित को हमारा पूरा ख़त्म कर दोगे यार ऐसा नहीं होता है तो अभी फिर आए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में और कलेक्ट्रेट में जो आए हैं और यहाँ का जो है बोले हैं सर जी कि निरस्त है अभी फिलहाल काम बंद रहेगा और जो भी निराकरण है वो होगा उसके बाद अब देखते हैं आगे संख्या में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पारी और कुसमी के ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने आज जिलाधीश महोदय से मुलाकात की है सरपंच की निरंतर शिकायत और उस क्षेत्र में सरपंच के द्वारा जो निधि है उसका दुरुपयोग करना मतलब मनमाने ढंग से पूरे गांव के विरोध में काम करने को लेकर पूरे गांव के लोग आज यहां उपस्थित हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर जिलाधीश महोदय को अवगत कराया जिसपे माननीय जिलाधीश महोदय और सीओ जिला पंचायत ने इस पे कार्रवाई करने का हम लोगों को आश्वासन दिया है पूर्व में भी इसकी शिकायत हम लोगों ने की थी और निरंतर सरपंच और वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मनमाने तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है अभी जैसे एक 5 लाख रुपए का गार्डन तो गार्डन अपने घर में बनवा लेना वो एक बड़ा मामला है आधे अधूरे विकास कार्य ब्रिज बने हैं जो नदी पार करने के पुलिया उसको अधूरा छोड़ देना कि यहाँ से इस गांव को नहीं जोड़ना है और वो आश्रित गांव है पारी और कुसमी दोनों गांव में डिस्प्यूट करके लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की भी कोशिश की जा रही है जिसमें आपत्ति दर्ज कराने आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।